गुड मॉर्निंग किड्स। तो आज हम करने वाले हैं जो हमने कल चैप्टर पढ़ा था, कौन सा? वंडरफुल वेस्ट। तो उसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके? व्हाट वर द प्रिपरेशंस इन द पैलेस फॉर? जो पैलेस था वहां पर किस चीज की प्रिपरेशन हो रही थी? डिनर की, ठीक है? तो इसका आंसर क्या लिखोगे? द प्रिपरेशंस इन द पैलेस वर फॉर अ ग्रैंड डिनर। वेरी गुड। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द महाराजा गो इन टू द किचन इन द आफ्टरनून? कि महाराजा किचन में क्यों गए दिन में? क्योंकि तो क्या लिखोगे? द महाराजा वेंट टू द किचन टू सर्वे द डिशेस व्हिच हैड बीन प्रिपेयर्ड। वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट हैड द कुक प्लान टू डू विद द वेजिटेबल स्क्रैप्स? कि जो वेजिटेबल स्क्रैप था उसके साथ जो कुक था उसका क्या प्लान था, क्या करने का प्लान था? फेंकने का। तो क्या लिखोगे आंसर? हाँ, टू थ्रो द वेजिटेबल स्क्रैप्स। फोर्थ क्वेश्चन है, इंग्रेडिएंट्स आर द थिंग्स व्हाट आर यूज्ड टू मेक अ डिश, सर्किल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अवियल इन द बॉक्स बिलो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, तो अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें अवियल बनाने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है। तो किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? ओके, वेजिटेबल स्क्रैप, कर्ड, पॉट, करी लीव्स। ओके, यस सर। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें ट्रू फॉल्स बताना है, मतलब कौन सा सही है और कौन सा गलत। द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस। यस, तो राजा ने डिनर के लिए ऑर्डर दिया था पैलेस में। यस सर, तो ट्रू लिखोगे, टी आर यू ई, ट्रू। नो वन हैड हर्ड ऑफ और टेस्टेड अवियल बिफोर। फॉल्स। किसी ने क्या सुना था? नो, तो फॉल्स। ओके, द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स। फॉल्स। ओके, कुक ने किसी दूसरे डिश के बारे में बनाने के लिए नहीं सोचा था। अगर बनाने के लिए सोचता तो यहाँ पर ट्रू आता, लेकिन उसने नहीं सोचा था, इसलिए क्या आया? फॉल्स। समझ आ गई? अब देखो, अ रेसिपी इज अ लिस्ट ऑफ डायरेक्शंस टू प्रिपेयर अ डिश, द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर नॉट इन ऑर्डर फॉर प्रिपेयरिंग अवियल, नंबर देम इन करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, अब यहाँ पर अवियल की जो रेसिपी है उसको बनाने का तरीका दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये ऑर्डर में नहीं है, अलग अलग हैं, ऊपर नीचे हैं। जैसे देखो, फर्स्ट है कि ग्राइंड सम कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक। सेकेंड है, कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, और फर्स्ट वाला उन्होंने दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है क्या? वॉश एंड क्लीन द मिक्स ऑफ वेजिटेबल बिट्स। फिर है डेकोरेट विद करी लीव्स, फिर है विप सम कर्ड एंड मिक्स इट इन, फिर है पावर सम कोकोनट ऑयल ऑन द टॉप एंड अवियल इज रेडी। तो इसमें अवियल इज रेडी कहां पर आना है? लास्ट में, सेवंथ पे, क्योंकि टोटल सेवन है ना ये। सेकेंड नंबर पे क्या आएगा? कट, ओके, फिर व्हिप सम कर्ड एंड मिक्स इट इन, फिर पावर सम कोकोनट ऑयल ऑन द टॉप, और फिर उसके बाद लास्ट में आएगा आपका डेकोरेट विद करी लीव्स, सिक्स नंबर पे। ओके, यस सर। अब देखो, ये सेकंड नंबर को जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है, गिवन इन द बॉक्स आर सम थिंग्स दैट चिल्ड्रन डू आफ्टर दे रीच होम फ्रॉम स्कूल। जब भी बच्चे स्कूल से घर जाते हैं तो वो कुछ काम करते होंगे। yes, sir. तो यहाँ पर कुछ चीजें दी हुई हैं इस बॉक्स के अंदर, लिखा हुआ है सारा, ठीक है। स्कूल बैग को पैक करता है, फिर स्टोरी बुक को पढ़ता है, स्लीप सोते हैं बच्चे थोड़ी देर के लिए, होमवर्क करते हैं, खेलने के लिए जाते हैं, और स्कूल बैग को किनारे रखते हैं और लंच करते हैं, मम्मी के साथ कुछ चैटिंग करते हैं कि स्कूल में आज क्या क्या हुआ है, वॉश अप, हाथ या पांव धोते हैं या नहाते हैं, वॉच टीवी, टीवी देखते हैं, और चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म को चेंज करते हैं। तो वो बोल रहे हैं, चूज फाइव थिंग्स दैट यू डू व्हेन यू रीच होम फ्रॉम स्कूल। अब वो बोल रहे हैं कि इनमें से आपको कोई पांच चीज़ें ढूंढनी है जो कि आप घर जाके करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते होंगे कि भाई कि वो यूनिफॉर्म चेंज नहीं करते होंगे, पहले खाना ही खा लेते होंगे जिसको भूख लगी है, कोई बच्चे ऐसे होंगे जो पहले यूनिफॉर्म चेंज करते होंगे फिर खाना खाते होंगे, तो आपको इसमें से कोई पाँच चीज़ें लिखनी है। तो उसमें लिखा हुआ है, देखो देखो, फर्स्ट आई, तो सबसे पहले आप क्या करते हो? पहले वॉशअप, तो अब वॉशअप लिखोगे यहाँ पे। सबसे पहले आप क्या करते हो? हाथ या
मुंह धुलते हो या हाथ पांव धुलते हो। फिर चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म। ओके, फिर चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म। ओके, पट अवे स्कूल बैग हैव लंच। वेरी गुड। थर्ड नंबर पे आप क्या लिखते हो? पुट अवे स्कूल बैग एंड हैव लंच। फिर वॉच टीवी। ओके, वॉच टीवी। गो टू प्ले। ठीक है। अब अपने हिसाब से हर एक बच्चा अपने हिसाब से अलग अलग देख सकता है, जरूर नहीं आप उसके बाद वॉच टीवी देखो, हो सकता है कोई बच्चे उसके बाद सो जाते हो, ठीक है, दिन का टाइम है तो आप सो सकते हो। क्लियर है ना? Yes, sir. समझ आ गया? Yes, sir. कर लोगे अब? Yes, sir. Okay.